चलिए पार्ले जी बिस्किट से बनाते हैं। रक्षाबंधन स्पेशल गुलाब जामुन, तो बिना तले बनाएंगे इसको, बिल्कुल हेल्दी रहेगा, ज़्यादा तेल में नहीं बनाएंगे, कम तेल में बनाएंगे, दो बूंद तेल में बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर से जरूर दबा दीजिएगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। तो चलिए फिर बनाते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया है। अब बिल्कुल ना हम पार्ले जी बिस्किट को पीसेंगे, नहीं आप देखते रहिए, बिल्कुल इजी तरीके से बनाएंगे और झटपट बन के तैयार हो जाएगा। कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, इसलिए डालूंगी इसमें चिपके ना, इसलिए मैं इसमें घी डालूंगी। और थोड़ा सा हमने दूध देखिए बिल्कुल पका के लिया है दूध, आप देख सकते हैं, आधा कटोरी, बिल्कुल छोटी कटोरी से आधा कटोरी हमने दूध लिया है। आप जितना बनाना चाहते हो उसी हिसाब से आप ले सकते हैं, आप किसी से भी माप सकते हैं। तो आप देखिए मैंने बिस्किट लिया है, देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बिस्कुट ऐसे तोड़ के इसमें डाल देंगे, अच्छे से ये मेल्ट हो जाएगा। हमें पीसने की ज़रूरत नहीं है कि मिक्सर में आप पीस लीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप पीस के भी बना सकते हैं, ऐसे भी बिल्कुल ईजिली अच्छे से मिक्स हो जाएगा। गैस का फ्लेम कम है, बिल्कुल लो है, इसी तरीके से मैं आप 10 रुपया में ढेरों सारे गुलाब जामुन बना सकते हैं। आप चाहो तो देखिए, आप चाहो तो अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच दूध करके डाल सकते हैं, और आप इसको मिक्सर में पीस के छान के और दूध से आप उसे गूंथ भी सकते हैं अपने हिसाब से। यदि आप पीसना चाहते हैं तो आप पीस के भी इसे दूध में गूंथ सकते हैं। और देखिए आप दूध कम ही डालिएगा, नहीं तो ज़्यादा गीला हो जाएगा, तो इसलिए लूज ना हो तो थोड़ा थोड़ा जैसे हमको ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच दूध हम इसमें डालते रहेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा दूध मैं और डालूंगी इसमें, एक साथ नहीं डालूंगी। इस तरीके से मुझे ज़्यादा ईजी है, मिक्सर में पीसो फिर उसे छानो, इससे अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और झटपट बन के तैयार भी हो जाएगा। तो जैसे हम देखेंगे उसी हिसाब से हमें इसमें दूध डालना है, पहले से ज़्यादा नहीं डालना है। और हमने दूध लिया, अच्छे से इसमें कोई भी खड़ा न रह जाए, इसलिए अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से मिक्स हो गया है। अब अच्छे से मिला लेंगे, ठंडा होने के बाद इसको अच्छे से हाथ से आटा के जैसे इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। ऐसे बैटर देखिए बिल्कुल तैयार है। हमने थोड़ा थोड़ा करके पूरा दूध डाल दिया, यानी कि इस कटोरी से छोटी कटोरी से 1 कटोरी दूध लगाया, आधा पहले डाला था आधा हमने बाद में डाला, वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। इस तरीके से आप बनाएंगे रक्षाबंधन पे तो बिल्कुल हेल्दी बनेगा। अब मार्केट में इस समय ज़्यादा त्योहारों पे मीठा लेने में अच्छे दुकानों से लीजिए तब तो ठीक है, और कोई से दुकानों से लेना नहीं चाहिए इस समय, मीठा में ज़्यादा मिलावट होता है। तो आप घर पे बनाइए बिल्कुल इजी तरीके से, पार्ले जी 10 रुपया में आप ढेरों सारे गुलाब जामुन बना सकते हैं। देखिए अच्छे से लग रहा है ना, अब मैं इसको उतार लेती हूँ। अब चलिए इसमें दूसरे बर्तन में मैं चाशनी बनाती हूँ, फटाफट हो जाएगा। देखिए बर्तन में हमने 1 कटोरी छोटी कटोरी से पानी डाल दिया है, और इसी में मैं 1 कटोरी चीनी डालूँगी। देखिए चाशनी हमारी बनने लगी है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा केसर के धागे, थोड़ी सी इलायची पाउडर, और मैं डालूंगी थोड़ी सी नींबू, जो कि चाशनी बाद में जमे ना बिल्कुल हल्की रहे, थोड़ी सी इसमें डाल देंगे नींबू का रस। इससे क्या होगा कि जो चाशनी गाढ़ी हो जाती है किनारों पर जम जाती है, जमेगी नहीं नींबू का रस डालने पर, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी नींबू आप या तो काट के इसे डाल दीजिए, मैं इसका वो निकाल लेती हूँ। अब इसको अच्छे से चला दूंगी, चाशनी अच्छे से हो जाएगी, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब चलिए चाशनी हो रही है, तब से हम अपना गोली बना लेते हैं गुलाब जामुन के। चलिए बैटर निकाल लेते हैं बर्तन में,
अच्छे से ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया, जैसे लग रहा है कि आटे का हलवा है, है ना, लग रहा है ना। अच्छे से इसको घी, हल्का सा घी हाथ में लगा के अच्छे से इसको गूंथ लेंगे, इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा घी लेंगे हाथ में, बिल्कुल थोड़ा सा ही लेंगे, हमें ज़्यादा घी का उपयोग नहीं करना है, और अच्छे से इस तरीके से अच्छे से गूंथ लेंगे। अब आप चाहे जितना बड़ा छोटा बनाना सकते हैं, बना सकते हैं गुलाब जामुन की गोली, उतना आप बना लीजिए। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, आप देख सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से मिक्स भी हो गया है और बिल्कुल जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा। अब मार्केट से लाने से अच्छा कि आप घर पर बना दीजिए, इस समय मावा भी मिलावटी आ रहा है तो घर पे मावा बना लीजिए, यदि घर पे नहीं बना सकते हैं, शुद्ध दूध नहीं आ रहा, तो पार्ले जी बिस्किट लेके उसके गुलाब जामुन आप फटाफट बना सकते हैं। तो आप भी हेल्दी रहिए, अपने भाई को भी हेल्दी रखिए, सबको हैप्पी रक्षाबंधन। आप चाहो तो इसको तल के भी बना सकते हो, लेकिन मैं तलूँगी नहीं इसको, हेल्दी बना रही हूँ तो हेल्दी भी होना चाहिए। देखिए मैंने इतने बड़े बड़े ले लिए हैं, इस तरीके से हल्का सा घी लगा के हाथ, देखिए मैंने इतने बड़े बैटर ले लिया है, इसमें दो डालूंगी इलायची दाना, इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे और इसमें हल्का हाथ में घी लगा के और अच्छे से इसको बनाएंगे चिकना बिल्कुल। देखिए इस तरीके से बना लेंगे, बैटर बिल्कुल सूखा रहेगा तो आपका अच्छे से नहीं बनेगा, फट जाएगा, इसलिए बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। आप देख सकते हैं तो आपका अच्छे से बन जाएगा इस तरीके से। मैं सारे बना लेती हूँ गोले, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना चिकना चिकना बन चुका, बन गया है। और यदि आपका घी से नहीं चिकना बन रहा है तो आप पानी हल्का सा लगा लीजिए, उससे खूब बढ़िया चिकना चिकना हो गया है। तो मैंने दोनों तरीका बता दिया, घी से यदि नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा पानी आप छिड़क के हाथ में लगा लगा के आप देखिए चिकना बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट तलते हैं, अब चलिए दिखाते हैं अपने चाशनी को। आप देख सकते हैं चाशनी बन चुकी है, अच्छे से हो गई है। अब इसको मैं उतार देती हूँ, देखिए बिल्कुल गाढ़ा भी नहीं करना है हमें और हमें पतला भी नहीं रखना है। गुलाब जामुन की जैसी चाशनी होती है वैसे, तब मैं गुलाब जामुन बनाऊँगी अप्पे पैन में। आप कहेंगे आजकल हर चीज़ अप्पे पैन में, तो हाँ हेल्दी रहना है तो आपको कम घी यूज करना है तो आप अप्पे में बना सकते हैं। दो दो बूंद घी इसमें डालेंगे, गैस का फ्लेम देखिए कम है, दो दो बूंद इसमें घी डालेंगे, अब सारे इसमें एक एक रख देंगे इसी तरीके से। बिल्कुल आपको डीप फ्राई करनी है तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, तेल में घी में आप इस तरीके से कर सकते हैं। गैस का फ्लेम कम ही है, हल्का सा मैं करूँगी, बिल्कुल मीडियम लो करूँगी। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, दो मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। चलिए दिखाते हैं आपको, अच्छे से हो गया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा परफेक्ट कलर आया है। और चलिए मैं इसको एक एक निकाल के चाशनी में डाल देती हूँ, चाशनी बिल्कुल गर्म है, तब मैं एक एक निकाल के बिल्कुल चाशनी में डाल दूंगी। देखिए गुलाब जामुन कितना फूल के जल्दी से बड़ा हो रहा है, चाशनी भी गर्म है, गुलाब जामुन भी गर्म है, इसलिए देखिए कितने अच्छे से फूलने लगे हैं, बिल्कुल झटपट बन के तैयार हो जाता है। आप भी बनाइए, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के कटोरी में और काट के दिखाती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट बना है, आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है, देख के मन कर रहा खा लो फटाफट, और हेल्दी भी है। तो आप भी इस त्यौहार बनाइए, घर पे ही बनाइए हेल्दी। सारे गुलाब जामुन ने बना लिया है, इसी तरीके से इसको भी निकाल लेती हूँ और ढक के 5 मिनट के लिए ढक दूँगी अच्छे से, गुलाब जामुन अच्छे से चाशनी ऑब्जर्व कर ले, फिर मैं आपको दिखाती हूँ एक कटोरी में लेके और काट के इसको।
देखिए आप भी बनाइए खाइए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी करिएगा। आप लोग के लिए इतनी मेहनत, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाना, ऐड करना, उसको डालना, बहुत ही मेहनत का काम है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अब इसको मैं ढक के 5 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक एक ठे निकाल के कटोरी में। देखिए आप भी बनाइएगा ज़रूर और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं एक लेके आपको काट के दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल रसीला बनके तैयार है गुलाब जामुन। देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, आप बनाइए खाइए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।